जो सरकार बनी है ना, जो आज जिसको तुम गठबंधन की सरकार कहते हो, ये एक लुटेरों का गिरोह है। इस सरकार के बनने के बाद इस देश में कोरोना आई, हमारे यहाँ टिड्डी दल आया। अब आगे पता नहीं और किन किन दिक्कत कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। किसान को फसल में लूट लिया। कल मैं मेरे जो बॉर्डर के गांव थे उनमें जाके आया था, ये कहते हम टेल तक पानी पहुंचा रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ना बिजली ना पानी, और ना ही जो टिड्डी आई हुई गांव में उनके लिए सरकार की तरफ से कोई रोकथाम। ये सरकार तो आज ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने कश्यप समाज के 3 बच्चे जो मर गए थे, और कश्यप समाज के लोग जब उसके लिए न्याय मांग रहे थे उन बच्चों के लिए, उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। आज देश आजाद है, आज कोई गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ, आज कोई राजे महाराजाओं का राज नहीं है। हर आदमी की बात को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। ये किसी बात को सुनने की बजाय उसको डंडे के जोर से दबाना चाहते हैं। इसका नतीजा आप देखना, जब बड़ौदा का उपचुनाव होगा तो सरकार के खिलाफ लोगों में कितना बड़ा रोष होगा, और ना केवल रोष होगा बल्कि वहां से इनकी जमानत जब्त होगी। और प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हर वर्ग के लोग इस सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ सड़कों पर खड़े हो जाए। लिख करके भेजा है कौन दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है क्या कहता है, ये पाप के घड़े हैं, झूठ के घड़े हैं, बहुत जल्दी लोगों के सामने सारी बात सामने आ जाएगी, लगातार आ रही है। वो तो सफाई दे रहे हैं बेचारे, डाके डालते हैं और फिर डाके डाल करके झूठ बोल करके सफाई दे करके फिर अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इंक्वायरी नहीं कर रहे, अगर इंक्वायरी हो जाए तो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे सारे के सारे। ये जो 3-4 महीने हमारे इसमें कोविड में निकल गए, जो इस कोरोना में निकल गए, अब नए सिरे से सारे हल्का के अध्यक्ष आए हुए, सारे पार्टी के गांव और शहर के जो स्त्रीय साथी हमारे वो भी आए हुए, चाहे किसी कांग्रेस ही कहे चाहे किसी और दूसरी पार्टी से संबंध रखने वाला, तो आपकी बात को वो सुनेगा और समझेगा, भी बंद कर रहे हैं कि आज बढ़ाओगे।